का पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत माया रचने के मामले में रावण से भी आगे था। ये मेघनाद ही था जिसने माया से सीता को युद्ध मैदान में लाकर उसका वध कर दिया, जिसके बाद राम रावण की लड़ाई को खत्म मान लिया गया। लेकिन विभीषण ने इसका भेद खोल दिया और युद्ध पुनः शुरू हो गया। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह मेघ गर्जन के समान जोर से रोया, इसलिए उसका नाम मेघनाद पड़ गया। उसने इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि हासिल की। मेघनाद को ब्रह्मा के आशीर्वाद से ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र और इच्छा अनुसार चलने वाले घोड़े मिले थे, जिससे वो तीनों लोकों का भ्रमण कर सकता था। ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा था कि यदि शत्रु निकुंभला में तुम्हारे यज्ञ समाप्ति से पूर्व युद्ध करेगा तभी तुम्हारी मौत होगी। इस यज्ञ के कारण मेघनाद को कई सिद्धियां प्राप्त थी, जैसे वो कभी भी अदृश्य हो सकता था, दिन में रात कर सकता था, आकाश में उड़कर गायब हो सकता था। कई राक्षसों की मौत के बाद रावण ने मेघनाद को राम से युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में जाने से पूर्व मेघनाद ने निकुंभला में अपना यज्ञ शुरू किया। विभीषण ने लक्ष्मण को बताया कि यदि मेघनाद ये यज्ञ पूरा कर लेता है तो उसे हराया नहीं जा सकता, इसलिए इस यज्ञ में व्यवधान पैदा करना आवश्यक है। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण यज्ञ स्थल पर जाकर छुप गए। जैसे ही मेघनाद यज्ञ स्थल पर पहुंचा, लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद के घोड़े और सारथी को मार डाला। मेघनाद वापस लंका जाकर दूसरा रथ लेकर आया और फिर से युद्ध करने लगा। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर डाला। Thank you.